दर्शकों आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और मेरी को-होस्ट प्रिया सिंह नमस्कार मैं हूं प्रिया सिंह दर्शकों होटल मैनेजमेंट जो है होटल मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है वो वर्तमान समय में काफी तेजी से उभर रहा है और करियर की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं मेघा जी उसमें हमें लगता है या आपको इस टाइम लग रहा होगा कि कहाँ से हम कोर्स करें क्या एडमिश कैसे एडमिशन होगी कैसे हमारा जो करियर है वो हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं आप हैं आईएचएम कुफरी के प्रिंसिपल मिस्टर मुकुल जमरी जी सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में आने के लिए तो सर आपसे सबसे पहला और अहम सवाल तो यही है जिस तरह से होटल मैनेजमेंट तेजी से रफ्तार अपनी जो खींच रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है बहुत सारी जि, पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया है इस कोर्स को तो इसके पीछे का क्या कारण है और ये बहुत ही उपयुक्त प्रश्न आपने पूछा है जी और इसका सीधा आंसर देने से पहले मैं थोड़ा आपका इसका इतिहास बताना चाहता हूँ होटल मैनेजमेंट की अगर वास्तविकता में भारत में अगर इतिहास देखा जाए तो ये उन्नीस में शुरू हुआ था जी. और सबसे पहले बॉम्बे में लीलावती एक सोसाइटी थी उन्होंने इसको एक कोर्स के माध्यम से स्टार्ट किया था और पहली जो उनके उसके बाद वो कॉलेज शिफ्ट हुआ और थंगम फिलिप वहाँ की प्रिंसिपल बनी जिन्होंने इस कोर्स को जो प्रेजेंट इसका आयाम है उसकी उसको प्रणेता कहें तो उसमें कोई गलती नहीं है और उन्हें मेगा से अवार्ड से भी अवार्डेड किया गया था जी। लेकिन इसकी जो सरकारी शुरुआत हुई वो पहला इंस्टीट्यूट जो था वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा था और उसके बाद चार और इंस्टीट्यूट खुले खुले और ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे और शुरुआत में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था फिर जैसे जैसे पर्यटन का व्यवसाय बढ़ने लगा और आवत जावत बढ़ने लगी और ख़ासकर जब उन्नीस में जो एशियन गेम्स थे उस समय बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में भी और लगभग सारे भारत में एक ज़रूरत महसूस की गई बहुत सारे होटल्स की और उसी से पर्दावपूर्ण हुआ ये एजुकेशन का भी और उन्नीस में इसको ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर के अंडर में हुआ करते थे ये इंस्टीट्यूट उन्नीस में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में लिया गया और नेशनल काउंसिल का एक गठन किया गया और नेशनल काउंसिल का ये दायित्व था कि वो पूरे भारत में होटल मैनेजमेंट की शिक्षा को देखे उसी समय फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी खुले और हमारा आई एच कुफरी जो है वो उसी की उसी समय का इंस्टीट्यूट है जो कि शुरुआत में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के तौर पे शुरू हुआ उसके बाद जो है नाइनटीन नाइन्टी में नेशनल काउंसिल का पहला बैच निकला इससे पहले वो स्टेट टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएशन हुआ करता था और उसके बाद 1990 के बाद जो है ये थ्री ईयर डिप्लोमा के रूप में इसका एक अनावरण शुरू हुआ और ये डिप्लोमा के बाद बच्चों को होटल्स में ज़्यादातर जॉब मिलता था 19 उसके बाद जो है जो जब लोग बाहर जाने लगे और फर्दर एजुकेशन का भी जब इसमें स्कोप देख देखने लगा तो डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने की एक आवश्यकता महसूस हुई धन दो, दो में इग्नू से टाइप किया गया और इसको एक डिग्री की का प्रारूप दिया गया जिसमें जो होटल मैनेजमेंट वाला जो प्रारूप था वो कॉलेजेस कराते थे और पांच अन्य क्या कहते हैं कोर्स में बच्चों को बैठना पड़ता था और फिर इग्नू से उन्हें फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी उसके बाद अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें ये हुआ कि क्योंकि इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन मोड में था हालांकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है लेकिन कहीं कहीं पे इसमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो पूछा जाता था कि भाई ये फुल टाइम कोर्स है कि ये पार्ट टाइम कोर्स है क्योंकि इसमें विदेशों में बहुत सारे हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर से उनकी ये मांग थी कि इसको फुल टाइम डिग्री में हमें कहीं पर दिक्कत आती है तो अभी दो में से जो पहला बैच है वो जे एन के साथ इसका टाई अप हुआ है और जे के साथ जो है अब हमारी थ्री ईयर डिग्री दी जा रही है जहां तक आपने कहा कि इसका प्रचार और प्रसार आप देखिए कि पर्यटन में भी धीमे धीमे बदलाव आया है लोगों में बिजनेस में बदलाव आया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज बढ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है ना सिर्फ होटल जो हमारे संस्थानों में इतनी वृद्धि हुई है उसका कारण यह है कि हम ना सिर्फ होटल को देते हैं ये बच्चे प्रोवाइड करते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो कई और जगह पाते हैं क्योंकि खान खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है क्योंकि जो कि सब जगह जिसकी महसूस होती है इंडस्ट्रियल केटरिंग्स में एयरलाइंस में शिपिंग में इसके अलावा हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है जो ये कॉल सेंटर्स हैं आजकल जितनी ये मल्टी सिटीज में जो बड़े बड़े मॉल्स आए हैं उनमें जो क्यू एस आर आए हैं उसमें तो विभिन्न आज रिलायंस एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो सबसे बड़ा सेक्टर है पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट से कोई लगभग जो मैक्सिमम प्लेसमेंट हुआ है वो रिलायंस में हुआ है जिसमें साठ बच्चे गए हैं तो जिस प्रकार से बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में होटल मैनेजमेंट के बाद रोजगार मिला है और अच्छा रोज़गार मिलाया और जब हम अगर पुराने भविष्य को देखें तो जिस प्रकार से लोगों ने राइज किया है जो अपना करियर बनाया है ना होटल मैनेजमेंट के बच्चे जो हैं आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे, सर्विस, सर्विस, सेक्टर में मिलेंगे। सर्विस, सर्विस, सर्विस सेक्टर में मिलेंगे हर ही सर्विस सर्विस सेक्टर में और हम इसे वर्सेटाइल वर्सेटाइल इंडस्ट्री सकते इंडस्ट्री कह सकते हैं सर आपने है। इतने विस्तार से बताया इतिहास बताया और लेटेस्ट ट्रेंड भी बताए तो अब जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको क्यूरियोसिटी हो रही होगी क्योंकि होटल मैनेजमेंट करना चाहता है जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम होता है लॉ के लिए क्लेट का एग्जाम होता है तो अगर कोई होटल मैनेजमेंट करना चाहता है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है जी नेशनल काउंसिल द्वारा एनटीए के माध्यम से जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होटल मैनेजमेंट के लिए कराया जाता है जिसके जो फॉर्म है वो दिसंबर में निकले जाते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में क्षेत्रीय में और राष्ट्रीय रोजगार समाचार में भी आता है और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग मार्च तक मार्च अप्रैल तक होती है उसके बाद इसका एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन होता है जिसके कई जगह इसके सेंटर्स होते हैं शिमला में भी इसका रिटन सेंटर होता है और उसके बाद सभी जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं इनके लिए ओपन काउंसलिंग होती है और मेरिट के हिसाब से बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से इन विभिन्न संस्थानों में एडमिशन पाते हैं जो सेंट्रल आइएचम्स हैं ज़्यादातर वो तो इन्हीं इसी सेंट्रल काउंसलिंग से ही भरते हैं लेकिन क्योंकि इसमें तीन प्रकार के एफिलिएशन है हमारी जो नेशनल काउंसिल है वो तीन प्रकार के एफिलिएशन दे रही है जिसमें सेंट्रल हैं जिसमें आईच कुफरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ टूरिज़्म, जो कि वही डिग्री दे रहे हैं लेकिन उनका जो मैनेजमेंट uh, है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और कुछ प्राइवेट आई भी इसमें एफिलेटेड है ऑल टुगेदर अभी नब्बे से ज्यादा इंस्टीट्यूट इसमें अवेलेबल है तो कई जगह ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से एडमिशन uh, uh, किया जाता है और फिर अलग विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि आज विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कॉलेजेस ये दे रहे हैं तो उन सब के अपने अपने कार्यक्रम हैं लेकिन अगर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो यही जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और सेंट्रल आई में अगर आपको जो ये इक्कीस सेंट्रल आई है उसके बारे में भी हम विस्तार से मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें आई मुंबई है आई दिल्ली है आई चंडीगढ़ है आई एच बैंगलोर है आई एच चेन्नई है आई जयपुर है आई एच एम है आई एच शिलोंग है आई शिमला है आई एच एम है ये इक्कीस आई एच हैं इनमें जो आपको अगर और ये मान्यता प्राप्त हैं और सबसे पुराने हैं प्राचीन हैं इनका बहुत बड़ा एक अलमनाइज का स्ट्रक्चर है इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जॉइंट एंट्रेंस तो सर वर्तमान देना में हम कह सकते हैं कि टोटल तो अगर इंडिया की बात करें तो आईएचएम 21 है टोटल अभी वर्तमान सेंट्रल आईएचएम 21 लेकिन उसी जेएनयू के प्रावधान में ना जैसे मैंने बताया 90 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि तीन हेडिंग्स में आते हैं उनका जहां तक डिग्री का सवाल है हर कोई जेएनयू की ही डिग्री प्राप्त करेगा लेकिन उनका जो मैनेज जहाँ तक वो है सेंट्रल आई एच एम इक्कीस है उसके अलावा कोई बीस पच्चीस स्टेट आई एच एम्स है और तत्पश्चात बाकी जो है वो प्राइवेट आई एच एम तो तीन प्रकार के एविलेशन है एंट्रांस की आपने सर बात की क्योंकि एंट्रांस एग्जाम देने के बाद ही कहीं प्रवेश लिया जा सकता है और प्राइवेट इंडस्ट्री की भी आपने बात की कि प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्रांस के बगैर भी क्या एडमिशन मिल सकता है और बेस्ट अगर हम सिलेबस की या बेस्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा है और साथ ही में डिग्री करवाई जाती है तो क्या उसका कितना समय रहता है कि डिप्लोमा कितने ईयर्स में होता है और साथ ही में जब डिग्री की बात आती है तो वो कितना समय उसमें लिया जाता है इसमें जो डिग्री है जो हमारा नेशनल काउंसिल जा रहा तो डिग्री दी जा रही है वो तीन साल की डिग्री है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ इसमें चार साल की डिग्री दे रहे हैं और जहाँ तक आपने डिप्लोमा की बात की तो डिप्लोमा हमारे पास डेढ़ डेढ़ साल के डिप्लोमा है और ये अलग अलग जैसे इसके चार जो है मुख्य धाराएँ इसमें जो मेन डिपार्टमेंट हैं जो कि फ़्रंट ऑफिस हाउस कीपिंग एफ सर्विस और फूड प्रोडक्शन है तो इन चारों में एक डेढ़ डेढ़ साल के डिप्लोमा भी हैं या इन डिप्लोम के माध्यम से आप इन्हीं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं इन्हीं की ट्रेनिंग दी जाती है और जो विस्तृत प्रोग्राम है वो तीन थ्री ईयर बी एस उसका नाम है वो दी जाती है जो नेशनल काउंसिल के हिसाब के द्वारा दी जाती है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे हिमाचल यूनिवर्सिटी वो चार साल का कोर्स दे रहे हैं सर मैं एंट्रेंस एग्जाम पे फिर से आना चाहूंगी की कुछ बच्चे तो जो फॉर्म भर लेते हैं आपने वैसे बताया कि ओपन एडमिशन का भी एक है सोर्स तो अगर वही कंडीशन लेते हैं कि अगर कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया या एग्जाम नहीं दे पाया तो वो ओपन एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहता है वो किस तरह से होती है जी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इसमें बच्चे अगर जो सेंट्रल आई में अगर आपको चाहिए जो नामी इंस्टीट्यूट हैं जो और जो इंडिया के समय सबसे बढ़िया माने जाने वाले इंस्टीट्यूट हैं क्योंकि देखिए किसी भी संस्थान का जो पायदान है वो सबसे बड़ा पायदान जो है वो प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट के लिए जो सारी कंपनीज हैं बड़े बड़े होटल्स हैं जो और जो नामी ग्रामी कंपनीज हैं वो इन्हीं सेंट्रल आइटम्स में को सबसे पहला अपना समय देती हैं तो जिन बच्चों को इन बड़े संस्थानों में जाने का सबसे सुगम रास्ता जो है वो सेंट्रल आई एच है उन्हें सेंट्रल आई के माध्यम से जाना चाहिए और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का में जरूर देना चाहिए क्योंकि ये जो है, ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से ही भर जाते हैं लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बताया अगर बच्चा नहीं दे पाता है या उसको इसमें सफलता नहीं मिलती है तो वो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से भी डिफरेंट अलग अलग जो संस्थान है उनमें एडमिशन ले सकता है कई बार सेंट्रल आईचम्स में भी कुछ जगह बच जाती है जैसे हमारे यहाँ भी कुछ जो रिजर्व सीट्स हैं वो कई बार बच जाती हैं जिसके लिए हम फिर एडवर्टीजमेंट निकालते हैं उसमें जो क्राइटेरिया होता है वो बारहवीं पास है और उसमें आ, इंग्लिश मस्ट है आप क्लियर पास होने चाहिए और इसमें अब एज का, होना जी। 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 प्लस है, होना का कोई क्राइटेरिया नहीं है नहीं। नहीं। मेघा अगर हम बात करें जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं डेफिनेटली वो जानना चाह रहे हो गे हमारी जो सफलता है उसमें करियर पे जब हम आते हैं प्लेसमेंट की भी आपने यहाँ पे बात की और सभी जानना चाह रहे कि प्लेसमेंट फिर मिल जाती है इसमें और कितने समय के बाद इंडस्ट्री से कहें और उसी प्रकार से हमारा सिलेबस में भी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है होटल अब एक स्मॉल सेगमेंट हो गया जहां हमारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है प्लेसमेंट कई जगह मिल रहा है जैसे मैंने पहली जो मैं पहले के संस्करण में बता चुका हूँ तो इसमें यह है कि सबसे बढ़िया जो हमारा प्लेसमेंट का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि कंपनीज आती हैं जैसे हमारे यहाँ कोई लगभग अस्सी से नब्बे कंपनीज़ आती हैं और क्राइटेरिया उनका सबसे बड़ा यही होता है कि बच्चों का कम्युनिकेशन उनका एटीट्यूड और उनकी प्रेजेंटेशन क्योंकि होटल इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किचन में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है क्योंकि उसमें टेक्निकल स्किल्स से है उसका पेशेंस देखा जाता है उसका एनर्जी लेवल देखा जाता है वो आठ नौ घंटे खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता अगर वो एफ सर्विस में जाना चाहता है एफ सर्विस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी शरीर का जो क्या कहते हैं एथलेटिक है क्योंकि आठ दस घंटे उसको सर्व करना है चेहरे की जो स्माइल है ये इसका मुख्य अगर हमारा बारे तो कहते हैं <laughs> सर्विस विद स्माइल स्माइल इसका एक सबसे बड़ा वो है ऐसे अगर फ्रंट ऑफिस में जाना चाहता है तो फ्रंट ऑफिस में पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा वो है बातों को सुनना समझना अब भाषाओं का ज्ञान होना इस प्रकार की कंप्यूटर की बड़ी अच्छी नॉलेज होना अगर हाउस कीपिंग है तो हम उसमें कहते हैं कि हाउस आई फॉर डिटेल क्योंकि उसमें क्या है कि आपको साफ़ सफ़ाई इत्यादि इन चीज़ों का पूरा रख रखाव का ध्यान रखना नहीं। होता है एक साज सज्जा का ध्यान रखना होता है तो वहाँ पर आई फॉर डिटेल इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्वालिटीज़ इसमें चाहिए हैं और डिपार्टमेंट वाइज इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपकी आपका वो वो करता है कि आप क्या है। टैलेंट है जी। 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 uh, sir, है कि कि क्या जी। अक्सर ये रहती हमारे समाज में कोई होटल में कोई कर रहा तो ही काम करेगा। उसके पास वो स्कोप लिमिटेड हो जाता है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें और कितने स्कोप हैं। जैसे आपने अभी इतनी बात की फ्रंट ऑफिस होता है एफ होता है तो इसमें और क्या क्या चीजें रहती हैं देखिए ये तो जहाँ तक मैंने बताया होटल मैनेजमेंट कोर्स ना सिर्फ होटल मैनेजमेंट को ऑफर कर रहा है ये विभिन्न डिपार्टमेंटों जैसे एयरलाइन केटरिंग है रेलवे केटरिंग है रेलवे केटरिंग में सारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है या जो सारे सरकारी जितने भी टूरिज्म कॉर्पोशन हैं सारे स्टेट में जैसे आई ग्रुप ऑफ होटल्स है जैसे एयरलाइंस केटरिंग है, क्रूज हैं, ऐसे विभिन्न विभिन्न इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री जैसे कॉल सेंटर्स होटल मैनेजमेंट के बच्चे आपको कहीं भी जहाँ पे भी सर्विस की जरूरत है कॉल सेंटर्स जैसे मैंने बताया आजकल आपकी बार रिलायंस है और विभिन्न जो क्या कहते हैं कंपनीज हैं उनमें हर तरफ और इसमें असीमित स्कोप है इसमें जो है आप अगर कोर्स देखें तो तीन साल का कोर्स है अगर मैं थ्री डिग्री की बात करूँ उसमें दो साल जो है इनिशियल टू इयर्स जिसको हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं या वो ऑपरेशनल ट्रेनिंग या एज अ ट्रेनिंग वो ज्वाइन करता है उस वो वाला जो पार्ट है वो थोड़ा टफ है जी। वो सबसे मुश्किल दौर होता है क्योंकि वहाँ पे शुरुआत में सैलरी स्ट्रक्चर भी इतना सॉलिड नहीं है बहुत नहीं। अच्छा नहीं है लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें आप बारह साल में तेरह साल में जनरल मैनेजर की उपाधि पा जाते हैं एक बड़े फाइव स्टार होटल में कोई ढाई तीन हजार लोग काम करते हैं आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं और बहुत ही आज के दौर में बहुत ही सुंदर और एक हैंडसम पैकेज उनको दिया जाता है जो दर्शक हम हमें अभी देख रहे हैं अगर वो होटल मैनेजमेंट में, में करियर बनाना चाहते हैं तो सर ने जैसे बात कही आप निश्चिंत रहिए स्कोप अपार है इसमें आप अगर जाना चाहते हैं इस फील्ड में तो जरूर जाइए बिल्कुल मेघा जैसा कि कहा जाता है कि वर्सेटाइल इंडस्ट्री ये है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए इसमें है यदि आप भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लगी वो है सेवा भाव यदि आपके अंदर भी सेवा भाव भाव है तो आप भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं सर एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है यहाँ पर जैसे आपने कहा कि आफ्टर प्लस टू हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं पर यदि कोई बच्चा जो है वो किसी अदर स्ट्रीम से यहाँ पर आता है प्लस टू तक का तो फिर वो कैसे इसमें क्या एडमिशन ले सकता है और आफ्टर ग्रेजुएशन की भी अगर हम बात करें तो अदर सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं तो उसके बाद क्या स्कोप्स रहते हैं उसके लिए देखिए जो सबसे बढ़िया उसके लिए जो समय है वो बारहवीं के बाद है क्योंकि शुरुआत में कहते हैं जब आपकी उम्र छोटी होती है तो यू आर फ्लेक्सिबल और आप ये क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है इसमें आप सीख के बोल के जान के प्रैक्टिस करने के यानी इसमें काफी टोका टाकी भी आपको तभी आप सीख पाएंगे तो जो छोटी उम्र है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है लेकिन अभी जो है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डिमांड है लोगों की और इसमें रिटेंशन भी काफ़ी है काफ़ी लोग इसको छोड़ भी देते हैं तो अब उन्होंने किसी भी या ग्रेजुएशन क्या अब उम्र की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं, नहीं रखी है अगर आप में वो तत्व है अगर आप में सेवा भाव है अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है और आप कुछ करना चाहते हैं तो इसमें असीमित संभावना है और आप किसी भी उम्र में आप एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं पर जैसे मैंने बताया बेसिक चीज़ ये है कि ये ये करके सीखने वाला प्रोफेशन है तो इसमें आपको जो है एक मेंटरशिप जो होती है वो उस वो वाली प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसा पढ़ने लिखने वाला नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ा लिखा और आपने अपना डेवलपमेंट किया आपको दूसरों से जो स्किल है जैसे ड्राइविंग है वो तो ड्राइवर के माध्यम से ही आ सकती है वो तो जो कुकिंग स्किल है या अन्य स्किल्स हैं उसमें मेंटरशिप बहुत जरूरी है तो जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं तब तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं काम कर सकते हैं पर सबसे बढ़िया जो उम्र है वो बारहवीं के बाद ही है जी क्योंकि प्लस टू के बाद एक तो हम बहुत जल्दी से सीख सकते हैं जैसा आपने सकते कहा और... और फ्लेक्सिबल हम बहुत ज्यादा उस समय होते हैं बिल्कुल मेघा और इंटरव्यू की यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने कहा इंटरव्यू पास करना होता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए तो जब इंटरव्यू लेना होता है जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं डेफिनेटली उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंटरव्यू के लिए हम किस तरह की तैयारी करें क्या वो बुक्स है जिसे हम पढ़े या किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं इस पर भी हम बताइए देखिए जो हमारा तीन साल का प्रोग्राम है उसमें हमारा मुख्य जो फोकस है दो ही हमारे मुख्य बिंदु रहते हैं एक रिजल्ट और एक दूसरा प्लेसमेंट कोई भी जो संस्थान है वो तभी चलेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा होगा और उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा प्लेसमेंट के लिए हम कई प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं सबसे पहले तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें फोकस रहता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उसके बाद हम ग्रुप डिस्कशंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग फिर जो टेक्निकल पार्ट है उसका जी। उसके लिए जैसे जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए तो बच्चे को सबसे पहले करना पड़ेगा, करनी पड़ेंगी, अच्छे पड़ेंगे, वो करते जो पढ़ने में <laughs> सोसाइटी में तो आप थोड़ा बताए कोर्सेज के बारे आप में आपने इतनी खूबसूरती से बताया की इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ग्रूमिंग होती है बहुत सी चीजें होती है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना काफी ज्यादा मायने रखता है तो आप इसका कोर्सेज बताइए कि क्या क्या पढ़ाया जाता है इस कोर्स में इस कोर्स में विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती है इट्स ओवरऑल जिसको कहें इट्स एन ओवरऑल पर्सनालिटी पैकेज जो चार जैसे जो मुख्य सब्जेक्ट हैं वो तो हैं ही जो फ्रंट ऑफिस फूड प्रोडक्शन एफ एन बी सर्विस और हाउस uh, कीपिंग ये चार मुख्य बिंदु हैं लेकिन इसके अलावा कई प्रकार की चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं जैसे हम उन्हें लॉ भी सिखाते हैं हम उन्हें इन्वायरमेंटल साइंस भी सिखाते जी। हैं कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं कस्टमर रिलेशनशिप सिखाते हैं अकाउंट्स सिखाते हैं और इसके अलावा और भी कई प्रकार की प्रैक्टिस दी जाती हैं कोर्सेज दिए जाते हैं असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रुप वर्क टीम वर्क विभिन्न प्रतिविधाएँ इसमें सिखाई जाती हैं और लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मेघा ये सब है यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे जो दर्शक दिख रहे हैं सबसे पहले वो जा रहे हैं फीस पे कि फीस का क्या रहता है सर क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे फीस में थोड़ी सी इजाफा किया जाता है और प्राइवेट के अगर हम इसमें कंपेरिजन की बात करें तो किस तरह का रहता है पूरा फीस स्ट्रक्चर इसमें प्राइवेट में और सरकारी में लगभग बराबर है क्योंकि ये स्वपोषित संस्थान है इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं है हमारा जो थ्री ईयर प्रोग्राम है वो लगभग थ्री लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ उसकी शुद्ध पे फी है जो आपको तो दे है इसके अलावा जो बाकी खर्चे हैं जैसे हॉस्टल है रहना है खाना है और भी जो यूनिफॉर्म्स टूल किट इत्यादि चीज़ें हैं उस पर जो खर्च आता है जो हमारा वन एन हाफ ईयर डिप्लोमा है वो हमारे संस्थान में थोड़ा सस्ता है वो लगभग पचास हज़ार रुपये आता है वैसे उसकी भी फीस जो है वो लगभग एक लाख रुपए है प्राइवेट में भी लगभग 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 बराबर ही है कुछ जो चुनिंदा संस्थान है जैसे क्या कहते हैं आई का इंस्टीट्यूट है मणिपाल में या ताज के जे, उनकी जे, फीस जे। थोड़ी ज्यादा है उनकी फीस चार लाख पर तो और है। अगर आप विदेशों से करते हो तो फिर तो ये काफी काफी महंगा। जी।, जी से आपने मनीपाल जी, जी, की बात किया आता तो है की जो बच्चा आई एच एम से कर रहा है अपनी होटल मैनेजमेंट उसके पास क्या वो प्लस पॉइंट रहते हैं इन फ्यूचर अगर आईएचएम से जो करता है देखिये सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है लीनेज जो आपका जा जो आपका कैरियर में जब आपका बायोडाटा बनता है या कहीं भी तो उसमें जो आप जिस संस्थान से आपने पढ़ाई की है उसका बहुत बड़ा का को क्या एजुकेशन है जैसे एक जैसे आप उसको जे की डिग्री मिलेगी और आईएचएम जो है अपने आप में एक ब्रांड है द्रेंड होटल इंडस्ट्री में आईएचएम का एक ब्रांड है क्योंकि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो और आज की तारीख में भी अगर आप होटल में होटल्स में और प्राइवेट सेक्टर में और ये जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर आप जनरल मैनेजर का कोई सर्वे करेंगे तो कोई एटी 90 परसेंट जो लोग हैं वो होटल मैनेजमेंट आई एच के पास आउट्स हैं तो उसको एक लीनिएज मिलती है उसको एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर मिलता है जब वो होटल में जाता है तो उसको वहाँ उसके सीनियर्स मिलते हैं जो उसको स्वीकार करते हैं और वो एक लाइन में आ जाता है क्योंकि वो वो एक सिस्टम बना हुआ है इतने सालों से आई के लोग उसमें काम कर रहे हैं जब वहाँ का जनरल मैनेजर उसी इंस्टीट्यूट से है तो उसको बहुत फायदा मिलता है क्योंकि जैसे अगर वो आई शिमला की अगर आप बात करें अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो आई शिमला के जो बच्चे हैं वो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जब हमारा कोई बच्चा यहाँ से पास आउट करके कहीं जाता है विदेश में जाता है कनाडा तक भी जाता है तो उनकी वहाँ पे एक अलूमिनाई एसोसिएशन है वो उसका स्वागत करते हैं होटल में भी जब वो जाता है तो उसको कोई ना कोई एक दो लोग अपने यहाँ से मिलते हैं और आईएचएम तो एक बहुत बड़ी फर्टर्निटी है शिमला तो एक छोड़ एक सिंगल संस्थान है जैसे मैंने बताया सेंट्रल आई के 21 संस्थान है आईएचएम एच आईएचएम मुंबई इस लाइन में उन्नीस सौ से हैं 1960 से हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो पुरानी सारी व्यवस्था है वो इन्हीं एलुमनाई द्वारा की गई है तो ये आईएचएम की सबसे बड़ी जो फायदा है वो उसका ब्रांड नेम है ब्रांड ब्रांड नेम ब्रांड नेम है और होटल्स को भी पता है जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी पता है कि ये जो बच्चे हैं ये एक 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 सिस्टम से आ रहे हैं और ये हमारे सिस्टम को अच्छे से समझते हैं ये सिस्टम्स बनाए आई द्वारा गए हैं जी बहुत मुकुल आपने कहा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि स्टार्टिंग में तो बहुत सी मेहनत होती है यदि आप वो मेहनत कर गए और उससे पार चले गए तो एक लग्जरी लाइफ आपको मिलता है और साथ ही में एक वर्सेटाइल इंडस्ट्री ये है तो लग्जरी जो लाइफ है उस तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है सर देखिए लग्जरी लाइफस्टाइल तो मैं नहीं कह सकता लेकिन एक निश्चित है कि जब एक वो जनरल मैनेजर के लेवल पे एग्जीक्यूटिव शेफ सू शेफ जब हायर लेवल पे पहुंचता है तो उसको एक बड़ी अच्छी व्यवस्था मिलती, मिलती है अच्छी तनख्वाह मिलती है क्योंकि लग्जरी लाइफ तो होटल में नहीं है ये क्योंकि यू आर ये जो है ये ग्लैमर दिखता है लेकिन पीछे जो काम करते हैं उसमें काफी मेहनत है और बाद में इसमें बड़ा बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज और वर्सेटाइल है कहीं भी घूम सकता है कहीं भी उसको जॉब मिल सकती है पूरे वर्ल्ड में जा सकता है लेकिन ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है आजकल जो है आज की जनरेशन में लोग 10-12 साल में भी जनरल मैनेजर बन रहे हैं पर जो मैं अगर इसका अपने हिसाब से जैसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अवलोकन करूँ तो एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पर पहुँचने के लिए उस वो जो एक वो है उस मुकाम में पहुँचने के लिए आपको कोर्स के बाद कम से कम बारह से चौदह साल की तपस्या चाहिए हार्ड वर्क जी बिल्कुल हार्डवर्क के बाद ही हमें जो अपनी सफलता है उसको हम चुन सकते हैं और वही हमें मतलब सफलता उसके बाद ही हमें मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे बिल्कुल मेज सर हम देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट इट्स अ ब्रॉड टर्म

सारी विधाएं सीख लेगा तो उसको होटल इंडस्ट्री को समझने में होटल का ऑपरेशन समझने में इजी होगी और वो होटल मैनेजमेंट के बाद भी किचन में जा सकता है कभी आज से 20 साल बाद 15-20 साल बाद अगर वो जनरल मैनेजर बनना चाहे तो ये जो उसने कोर्स किया हुआ है ये उसको मदद करेगा और शेफ बनने में भी उसको वैसे भी होटल में उसको सारे डिपार्टमेंट धीरे धीरे तो सीख नहीं पड़ते हैं क्योंकि ये कोई भी जो काम होता है वो समग्रता में होता है वो समन्वय से होता है इंडिविजुअल नहीं होता तो अगर आपका किचन में भी इंटरेस्ट है

क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं सर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बात कि जब किसी कोई टेंथ पास कर जाता है और उसके बाद उसके पास कोई स्कोप नहीं रहता और होटल मैनेजमेंट की साइड यदि वो आना चाहता है तो क्या उसके पास स्कोप है होटल मैनेजमेंट पे आने का आफ्टर टेंथ और साथ ही में वो शेफ अगर बनना चाहते हैं तो कोई ऐसे डिप्लोमा सिर्फ शेफ ही ही करना करना है उसे करना है उसे किचन में में काम तो इसके लिए कोई इसमें इस मैं पहले आपसे एक चीज सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा कि वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि देखिए ये बड़ी मेहनत वाली लाइन है और इसमें ये कलाकारी की एक विधा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप शेफ बन जाइए क्योंकि ये इसमें एक बेसिक इनहेरेंट टैलेंट चाहिए आदमी में कलाकारी होनी चाहिए उसमें एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसमें मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए सबसे अच्छी बड़ी बात है कि उसमें सबसे पहले वो मेहनत ही होना चाहिए शारीरिक रूप से वो बहुत स्वस्थ होना चाहिए एक एथलेटिक उसका वो होना चाहिए क्योंकि 12-14 घंटे जो आदमी खड़े होकर काम करेगा और एक कला का उसके अंदर एक जिसको कहते हैं ना क्योंकि एक प्रकार की कलाकारी है ये जी। जब आप प्लेट पर प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप एक डिजाइन बनाते हैं खाने को कितनी खूबसूरती से आप परोसते हैं बनाते हैं तो वो एक उसके लिए वो वो इनहेरेंट उसके अंदर वो उस चीज के लिए एक जिसको कहते हैं एक प्यार या एक लगाव होना चाहिए तभी वो उसमें सक्सेस आ पाएगा सिर्फ इस कारण से कि वो किसको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है और वो वो होटल मैनेजमेंट में आ रहा है और वो यहाँ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा ऐसा मुझे आपकी बातों से आप बात है है मुझे ऐसे लग रहा है दर्शकों को एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है हार्वर्ड गार्डनर तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी देते हैं कि आठ तरह की इंटेलिजेंस होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो हर एक बच्चे में टैलेंट है इंटेलिजेंस है बस उसको परखना है और हार्ड वर्क जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें वही बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है जी बिल्कुल जिस जिसमें इंटरेस्ट है जिसको अगर वो बच्चा कल को बात करने में ही उसमें नहीं आ रहा है, तो जिसमें जो अभ्यस्त है जिसको शुरू से उस पाक कला में या सेवा भाव जिसके अंदर है या जिसकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो काफी एनर्जेटिक है वो लोग इसमें बहुत अच्छा मुकाम रहता है भी करते हैं, तो कुछ बच्चों का, तो का चुनाव कैसे होता है कि कौन सा बच्चा कौन सी प्रॉपर्टी में काम करेगा वो किस तरह से ये, है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है होटलों की तरफ से हमारे ऊपर काफी दबाव रहता है इसमें आज की तारीख में अभी भी क्योंकि इंटर्नशिप जो है उसमें उनको कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो कि जिनको उनको कम पैसे देने पड़ते हैं और ज्यादा काम वो उनसे ले सकते हैं और छोटे बच्चे जैसे होते हैं वो एनर्जेटिक भी होते हैं तो उसमें बच्चों का तो यही रहता है कि वो सभी बढ़िया से बढ़िया होटल में जाना चाहते हैं फाइव स्टार्स में जाना चाहते हैं और हम भी उनको ये प्रोत्साहन देते हैं कि शुरुआत में जो है जैसे इट इज़ बेटर टू बी अग स्मॉल फिश इन अ बिग ओशन देन अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड और बाद में वो जो है जब वो अच्छी ट्रेनिंग अर्पित कर लेते हैं फाइव स्टार से उसके बाद वो रिजॉर्ट में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं किसी भी तरह के लेकिन शुरुआत के एक्सपीरियंस के लिए जो फाइव स्टार डिलक्स होटल्स हैं उनमें ट्रेनिंग का का और सीखने का सबसे अच्छे जो क्या कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो सबसे अच्छा आपको प्रयास वो उन्हीं में मिले मिलेगा तो बच्चों को हम केंद्रित करते हैं उनको हम इस प्रकार से हम भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो शुरू में आराम ना देखें ये जो मेरा मुख्य कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत में वो आराम ना देखें शुरुआत में वो मेहनत देखें एक्सपोजर देखें जितना ज्यादा सीख सकें तो जितने बड़े होटल में जाएंगे जितनी बड़ी सिटी में, मतलब उत, उत, तो में, में जाएंगे तो शुरुआत में बड़े होटल्स में जाएं तो ज्यादा अच्छा है सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं हमारे आज के गेस्ट का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी करियर के रिलेटेड तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है अगले सप्ताह हाँ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया विषय के साथ और एक नई शख्सियत के साथ और आप बने आप... रहिए हमारे डीडी हिमाचल के साथ जी और आपको छोड़ जाते हैं सरगम के साथ